अज़्ज़िक्र लिज़ाकिरीन अगर किताब पढ़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर कोई शख्स इस नियत से निकाह करे कि सुन्नत रसूल अदा करूंगा, सुन्नत रसूल अदा कर रहा हूं और नबी की उम्मत को बढ़ाने की नियत से निकाह करे, फिर उसके बाद वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी बीबी के पास जाए, वजीफ़ ज़ौजियत हक ज़ौजियत अदा करने के बाद जैसे ही अदा करे और अल्लाह ताला उसकी वजह से उसको औलाद की बशारत दे दे, मतलब औलाद की उम्मीद हो जाए, जब वो बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो, फकी अबुल लैस फरमाते हैं वो बच्चा दुनिया में आकर के जितनी सांसें लेगा हर सांस के बदले में अल्लाह तबारक व ताला उसके माँ बाप को 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा, 60 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। तो निकाह अगर किया करो सुन्नत रसूल समझ के और नबी की उम्मत बढ़ाने की नियत से निकाह किया करो। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए वक्त कम है क्योंकि फजर की नमाज भी अदा करनी है। लोग अगर 4 बजे तक या 3:30 बजे तक अगर तकरीर सुनते रहें, बयान सुनते रहें, फजर की नमाज छोड़ दें ना पढ़े, तो अमल तो यहीं से खत्म होता चला जा रहा है, अमल तो यहीं से हटता चला जा रहा है। प्यारो नमाजों की पाबंदी करो, आपस में मेल मोहब्बत रखो, औलाद की सही परवरिश करो, चेहरे पे दाढ़ी सर पे टोपी रखो, इतने प्यारे हो जाओ, इतने प्यारे हो जाओ, आपस में मेल मोहब्बत, इधर से गुजरो तो सलाम, उधर से गुजरो तो सलाम। प्यारे तुम्हें देख करके लोग कहें, अपने नहीं बल्कि गैर कहें, कहें वाह जब मुसलमान इतना अच्छा है तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबियों का इमाम कितना अच्छा हो। कदमों पे ख्वाब ही में गिर जाता है, कहने लगता है अक्का मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। कहा सुनो सुनो तरतीब तरकीब मैं बताए देता हूँ। कहा जी सरकार, कहा तरकीब बताए देता हूँ। उन्होंने एक तरकीब बता दी, सुबह हो जाती है, आँख खुल जाती है, सुबह को फिर उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। आलिम साहब अपने घोड़े पर आए, फिर घोड़ा रोक लिया और रोकने के बाद कहा बेटा आज फिर तुम खड़े हो, क्या चाहते हो? कहा पढ़ना चाहता हूँ। जब इतना कहा, कहा बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। वो बच्चा कहने लगा हुजूर अगर मैं टाइम बता दूं, अगर मैं वक्त बता दूं तो क्या आप पढ़ा देंगे? कहा हाँ मैं पढ़ा दूंगा। जब इतना कहा है अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कहने लगा मदरसे के बच्चे सुन ले, पढ़ने वाले सुन ले, तुम्हारे लिए भी जरूरी है इल्म हासिल करो, लेकिन सुनो। वो बच्चा कहने लगा सरकार जब आप 6 किलोमीटर यहां से चलते हैं उनके घर पढ़ाने के लिए जाते हैं, 6 किलोमीटर इधर से जाते हैं, 6 किलोमीटर उधर से जाते हैं तो कुछ वक्त लगता है, आप अपने घोड़े पे बैठे रहना और मैं आपके घोड़े की बराबर में पैदल दौड़ता हुआ चला करूंगा, इसी सफर में आप मुझे पढ़ा देना, मैं सवाल किया करूंगा आप मुझे जवाब दे देना। जब इतना कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा बेटा तुम दौड़ा करोगे, घोड़े के साथ चला करोगे? कहा हाँ, मुझे इल्म सीखने के लिए अगर अपने खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो मैं एक एक कतरा बहा दूंगा, अगर इल्म सीखने के लिए मुझे अपनी सांसें देनी पड़े तो मैं अपनी सांसें दे दूंगा, कुछ भी करना पड़े, भूखे अगर एक टाइम रहना पड़े तो मैं रह लूंगा, उस्ताद के डंडे बर्दाश्त करें मैं डंडे बर्दाश्त करूंगा, उस्ताद अगर मारे मैं बर्दाश्त करूंगा, मगर इल्म हासिल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा अब घोड़े के साथ साथ दौड़ता है, घोड़े के साथ साथ चलता चला जाता है, इधर वो आलिम साहब पढ़ाते हुए चले जाते हैं। जरा सुनो इल्म कैसे हासिल किया जाता है, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, एक
साल नहीं, दो साल नहीं, पूरे के पूरे 6 साल तक वो बच्चा रोजाना घोड़े के साथ दौड़ता था और इल्म हासिल करता था। अल्लाह को एक दिन वो आदा पसंद आ गई, इतना बड़ा आलिम बना दिया जो उलमा में सरे फहरिस्त है। उस बच्चे का नाम सुनोगे तुम मचल जाओगे, वो बच्चा कोई और नहीं है, वो बच्चा इमाम मोहम्मद गजाली है। इमाम मोहम्मद गजाली उसका नाम आता है। अल्लाह अल्लाह, आज इन मदरसे के बच्चों को देख करके मेरी तबीयत खुश हुई है कि हाँ हजरत अल्लामा मौलाना सनात साहब ने इन्हें तरतीब भी दी है, इन्हें तदरीब भी दी है, इन्हें तालीम भी दी है। वही उस्ताद अच्छा होता है। पढ़ने को तुम मुफ्ती बन जाओ, पढ़ने को तुम अल्लामा बन जाओ, पढ़ने को तुम मौलवी बन जाओ, पढ़ने को तुम आलिम बन जाओ, पढ़ने को तुम बहुत बड़े बन जाओ, मगर तुम्हारे पास अदब ना हो, मगर तुम्हारे पास सलीका ना हो, मगर तुम्हारे पास शऊर ना हो, तुम्हें उठने बैठने का ढंग ना हो, तुम्हें खाने पीने का तरीका ना हो, वो भी कोई इल्म है? वो कोई इल्म नहीं है। तुम आलिम हो, दाढ़ी कटा रहे हो, तुम आलिम हो, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हो, तुम आलिम हो, गुंडागर्दी करते फिर रहे हो, प्यारे ये कोई इल्म नहीं है। ऐसे तो गैरों को भी इल्म हुआ करता था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा मेरे सामने आओ, सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुझे वो बात याद आने लगी है, वो बात याद आने लगी है। अब आ जाओ पीलीभीत की सरजमीन पर, पीलीभीत की सरजमीन पर आ जाओ। एक अल्लाह वाले का नाम शाजी मियां हुजूर आता है, जो ये विलायत के ताजदार है, जो विलायत के शहंशाह है, यही ताज, यही शाजी मियां हुजूर है। इनका मर्तबा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक मर्तबा आप वजू बना रहे थे, एक मर्तबा आप वजू बना रहे थे, तालाब के किनारे बैठे हुए वजू बना रहे थे, इन्होंने चेहरा धोया, पूरा वजू बनाया। जब सर के मसे का नंबर आया तो चौथाई सर का मसा कर लिया। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, मगर दूर से वो मौलाना देख रहे थे जो गैर मुअद्दब थे, वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सलीका और शऊर नहीं था, वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सहाबा की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास वलियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास नबियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास तमाम नेक सालिहीन की मोहब्बत नहीं थी। अब जरा सुनो, उन्होंने कहा चलो हम इस फकीर को देखते हैं, इसकी टांग लेते हैं, मगर क्या पता था बेटा तुम हाथ गलत जगह डाल रहे हो। वो दोनों आ जाते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। शाजी मियां हुजूर दूर जा सकते थे मगर नहीं गए, वुजू बना करके वहीं पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही शाजी मियां हुजूर बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब वो दोनों बेअदब मौलाना करीब आते हैं, वो दोनों सहाबा से मोहब्बत ना करने वाले मौलाना करीब आते हैं, अभी उन्होंने जबान खोली नहीं है, अभी उन्होंने कुछ बोली नहीं है, मगर इस अल्लाह वाले ने, अल्लाह अल्लाह, इस अल्लाह वाले ने अपने सर को यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहां गर्दन से अलग कर लिया। अलग करने के बाद इन्होंने तालाब में खोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में खोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में खोता दिया। 3 मर्तबा खोता देने के बाद सर पे रख लिया, और सर पे रखने के बाद अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सर पे रखा कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले मौलाना, अरे अब तो मसा हो गया होगा, इसको तो गुसल बोलते हैं, ये तो गुसल हो गया है, आज के बाद किसी की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए, आज के बाद तुम्हारे अंदर जो इल्म का ये, जो इल्म का गुरूर है, जो तकब्बुर है, सीने के अंदर बुत लिए फिर रहे हो, इसको नीचे गिरा देना, इसे पांवों से मल देना। अरे तुम्हें क्या पता है? अगर वलियों की तारीख पढ़ो तो सुनो, एक अल्लाह के वली का नाम आता है जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी
की है तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह अल्लाह, जुनैद बगदादी वो है, एक दिन रात को सो रहे थे, जैसे ही सोते हैं सोना था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाता है और ख्वाब में आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं मेरे आका ने फरमाया, ए जुनैद क्या तुम तकरीर नहीं करोगे, ए जुनैद तुम तकरीर क्यों नहीं करते हो, तुम लोगों की इस्लाह क्यों नहीं करते हो, तुम लोगों के अंदर से बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिश क्यों नहीं करते हो। जुनैद तुम तकरीर किया करो, जुनैद तुम तकरीर किया करो।